पाकिस्तान भर में मजहबी अकलीतियों को अपनी रस्मात अदा करने की मुकम्मल आज़ादी है। अलहाज नसीर यूसुफ वोहरा ने कहा कि ताजर मुनियारिटी में मौजूद स्पेशल बच्चों पर खसूसी तवज्जो दें। मरकजी सदर क्लाथ बोर्ड इतिहाद ग्रुप पाकिस्तान फैसलाबाद में एपका स्पेशल एजुकेशन के जेर एहतमाम कुव्वत समाअत से महरूम गवर्नमेंट स्पेशल गर्ल्स स्कूल डी ग्राउंड में क्रिसमस की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसके मेहमान खसूसी अलहाज नसीर यूसुफ वोहरा सदर मरकजी सदर क्लाथ बोर्ड इतिहाद ग्रुप पाकिस्तान थे, जबकि मेहमान ने एजाज में असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फजल अब्बास मियां अब्दुल मनान, साबका एमएनए खलील ताहिर सिंधु, साबका सूबाई वजीर मैडम खालिदा परवीन, डीओ स्पेशल एजुकेशन काशिफ ज़िया, सीईओ एजुकेशन मियां मोहम्मद रियाज, सूबाई सदर एपका स्पेशल एजुकेशन शफकत रसूल सिंधु, सूबाई सदर पंजाब आसिम खान, सदर सीबीए राणा आबिद अली, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर डिवीजन सदर एपका बाबर सहूत्रा, सीनियर नायब सदर फैसल इस्लाम भट्टी, खादिम गुजर, साबका सदर प्रिंसिपल नदीम अंजम माजपी, नासिया जपी और मुख्तलिफ महकमों के सदूर और सेक्रेटरी भी मौजूद थे। बैंड्स की पुरजोश दुहून और फूलों की पत्तियों और गले में माला सजाए मरकजी सदर क्लाथ बोर्ड इतिहाद ग्रुप पाकिस्तान अलहाज नसीर यूसुफ वोहरा की आमद पर सबने पुरजोश इस्तकबाल किया। प्रोग्राम का आगाज सलावते कलाम पाक से हुआ और नात पढ़ी गई। इस मौके पर मरकजी सदर क्लाथ बोर्ड इतिहाद ग्रुप पाकिस्तान अलहाज नसीर यूसुफ वोहरा ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान भर में मजहबी अकलीतों को अपनी रस्मात अदा करने की मुकम्मल आजादी है, जबकि इन्होंने मनियारिटी में मौजूद स्पेशल बच्चों पर खसूसी तवज्जो के लिए भी ताजरों को भी पैगाम दिया। आखिर में क्रिसमस की आमद का केक काटा गया और पाक अफवाज मुल्क पाकिस्तान और आवाम के लिए खसूसी दुआ भी की गई।